बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत नू धमकी मिली है और धमकी देने वाले व्यक्ति ने अपने आप नू गोल्डी ब्राड ते लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दस्या। तो दस दिए कि जिस तरह धमकियां का यह सिलसिला चलता पाया है, लोगों अपने वट्सएप से धमकियां आ रही ने, अपने ईमेल्स से धमकियां आ रही ने, उस तरह हुण राखी सावंत नू भी धमकी मिली है और ईमेल से धमकी मिली है और उस दे विच ए साफ साफ कह दिता गया कि राखी सावंत नू लॉरेंस बिश्नोई ते सलमान खान विच चलदे विवाद दे विच आउण दी लोड़ नहीं है। सलमान खान वाले मामले विच राखी सावंत ना आवे ते ओ इस मामले तो दूर ही रहे। जिस उत्ते राखी सावंत ने यह जरूर एक निजी इंटरव्यू दे विच कहा सी कि राखी सावंत इस इन्हां धमकियां तो नहीं डरती, वो इन्हां धमकियां तो नहीं डरती ते वो सलमान खान दे नाल बनी हुई है, उहदे नाल डटी हुई है क्योंकि सलमान खान ने उसकी उदों मदद की सी जदों उसकी माँ बीमार सी। इस वास्ते राखी सावंत वालों ये बयान साझा किया, राखी सावंत वालों जिहड़ा ईमेल उसनू आया सी वह भी पढ़ के सुनाया गया। कोई प्रिंस नामक व्यक्ति वालों ये ईमेल आउंदा और वह अपने आप नू लॉरेंस का करीबी और गोल्डी ब्राड का करीबी दसदा है सूत्रों के मुताबिक, और उस वालों ये भी कहा जाता है कि राखी सावंत इस मामले तो दूर रहे और उस वालों सूत्रों के मुताबिक यह भी कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथी या लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान नू मुंबई दे विच ही मारनगे भावें उस दे नाल जिन्नी मर्जी सिक्योरिटी होवे। दस दईए कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी एक निजी इंटरव्यू दे विच ये जरूर साझा किया सी कि सलमान खान नाल उसका जिहड़ा वो विवाद है और सलमान खान जे उसके संप्रदाय तो माफ़ी मंग लवे तो वह सलमान खान नू माफ़ कर देगा, जे नहीं मंगी तो सलमान खान नू भी वह मार देगा। वह शरेआम धमकी दिंदा दिखाई दिता सी अपनी इंटरव्यू दे विच और उस तो बाद सलमान खान नू लैके विवाद काफ़ी वधदा पिया। लॉरेंस के साथी जिहड़े कथित ने उन्हां वल्लों सलमान खान नू धमकियां दित्तियां जा रही ने, लॉरेंस के नाम से धमकियां दित्तियां जा रही, सलमान खान नाल जुड़े हुए फिल्म इंडस्ट्री के लोगों नू भी ईमेल्स आ चुके हैं, धमकियां दे दित्तियां गई ने, और दूजे पासे लॉरेंस बिश्नोई ने सीधी धमकी दी सी सलमान खान नू, उस तो बाद मामला भड़किया। जे गल करिए सलमान खान नू दित्तियां जा रही धमकियां दी तां लॉरेंस दी इंटरव्यू तो बाद ही एकदम रफ्तार फड़दियां ने। हुण 21 साथी जिहड़े अपने आप नू दस रहे ने लॉरेंस दे कि असल दे विच साथी ने या फिर सिर्फ फेम वास्ते या फिर शरारतां कर रहे हैं कुछ लोग, ये हुण जांच दा विषय है क्योंकि पहला भी कई लोगों ने लॉरेंस ते ते गोल्डी ब्राड दे नाम ते धमकी दित्ती है और वो कई तां नौजवान ही सन जिहड़े कि अजे तक व्यस्क भी नहीं हुए सन, उन्हां वल्लों दित्तियां गईयां सी धमकियां और कई तो इहो जिहे सन कि उन्हां दा दूर दूर तक लॉरेंस नाल कोई लिंक नहीं सी। इस वास्ते ये जानना बहुत जरूरी है कि हुण राखी सावंत नूं आया ईमेल कि ये लॉरेंस दे गुरगे वल्लों ही है या फिर कोई शरारत कर रहा है या फिर कोई फेम लैण वास्ते ये सब कुछ करदा पिया। खैर इस पूरे मामले नूं लैके चर्चा बनी हुई है, राखी सावंत वल्लों भी ये इस बारे विचार सांझे कीते गए, उस वल्लों ईमेल पढ़ के सुनाया गया। राखी सावंत ने पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं की कहा सी तुहानूं ओह वी सुणांदे आं। ये प्रिंस मावी जो है मुझे मेल आया है उनका, आप देख सकते हैं ये क्या मेल है, अब पढ़ के सुना दीजिए। पढ़ के सुना क्या लिखा है थोड़ा, अगर एक लाइन कुछ अगर पॉइंटर्स अगर आप, मतलब लिटरली धमकी दी है क्या लिख के, एलबी ग्रुप मतलब कौन सा, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, हाँ लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, हाँ ये एलबी ग्रुप मतलब लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, आप देख सकते हैं कैमरा में दिखा दीजिए, थोड़ा घुमा दीजिए, लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप गोल्डी ब्रा ग्रुप जी रखिए। तो कह रहे हैं कि अपने प्रिंस मावी भाई कह रहे हैं, रमकी मुझे धमकी दे रहे हैं कि सॉरी मैं भी एकदम वो ऊपर से थोड़ा अगर आप आई ना बता सकते हो, राखी हमारी तेरे साथ कोई लड़ाई नहीं है, तू सलमान खान के मैटर में इन्वॉल्व मत हो वरना तुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और तेरे भाई सलमान को हम बॉम्बे में ही मारेंगे, वो कितनी भी सिक्योरिटी बढ़ा ले अब की बार उसने सिक्योरिटी में है। एक है मैनेज, व्हाट इज दिस, मैं ही मारेगी अब की बार हम उसे सिक्योरिटी के साथ ही मारेंगे ऐसे, लास्ट वार्निंग है राखी तेरे लिए वरना फिर तू क्या, तू भाई तैयार
वरना तू भी भाई तैयार रहना। गुज्जर प्रिंस बिश्नोई ग्रुप से, आप लोग देख सकते हैं। राखी जी, मेरा सवाल रहेगा इस विषय पे, कितना आप सीरियस ले रहे हो? पुलिस को आपने कहा कि अरे पुलिस को और भी तो काम है, बट भाई मेरे को भी अभी तुम लोग कैमरे से दूर रखो। दूर मैंने सुना कि अभी किसी को कैमरे में कोई दो आतंकवादी थे, पता नहीं कौन थे। कौन थे वो लोग? वो इंटर में बातें करते मारते गोली मार दी। ए गोली मार रहे क्या? नहीं नहीं नहीं, धक्का मार। हाँ ए दूर हटो, गोली वोली मार रहे हो क्या तुम लोग? तो क्या मार रहे हो? वीडियो छे बोलते आंख मार रहे हो भाई, पता नहीं ना, मालूम नहीं ना। यहाँ में मीडिया के आज तुम लोग भी सेफ नहीं हो भाई। राखी जी, ये काफी एक सीरियस विषय है, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस विषय है। मैं बहुत ही शौक हूँ कि भाई इस दुनिया में नेकी का जमाना ही नहीं रहा है। सलमान भाई के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, यहाँ भी क्या होता है ना बॉलीवुड में या किधर भी, जब इंसान मर जाता है तो मोमबत्ती लेके बाहर निकलते सड़क पे, फिर रोते हैं, फिर बैठ देते। लेजेंड सिद्धू मूसेवाला जी के साथ जो हुआ, मेरा खुदा मेरा अल्लाह मेरा जो रोजा है, मैं खुदा से प्रे करती हूँ कि ऐसा कभी मेरे भाई के साथ, सलमान भाई के साथ ना हो, क्योंकि उनकी उनके बहुत एहसान है मेरे पे, मेरी माँ पे, हमारे खानदान पे बहुत कर्ज है। तो इसीलिए मैं मीडिया में आके बोलती हूँ कि विष्णु भाई, बिश्नोई ग्रुप, बिश्नोई भाई, बिश्नोई समाज, इसीलिए मैं आपके सामने आके उठक बैठक करी थी। मैं बोली थी भाई अगर मेरी माफी से चल जाता है तो आप लोग माफी ले लीजिए, हम लोग कोई ईगो वाले कोई घमंड वाले लोग नहीं है कि ये लोग कौन है करके, नहीं, हम झुक के रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी की इज्जत और किसी की जान का सवाल है, यू नो। इसीलिए यहाँ पे कोई घमंड की बात नहीं है, लोग इंडस्ट्री से निकलते नहीं है। यहाँ पे सलमान भाई को फिल्मों में लोग यूज कर लेते हैं या उनके साथ फिल्में बनाते और, लेकिन पीछे आके कोई बोलता नहीं है कि ये गलत बात है भाई। हर कोई डरपोक और सबकी पुंगी बजी है, मेरी पुंगी कभी बजती नहीं है, मैं दूसरों की पुंगी बजाती हूँ। तो मैं यू नो सलमान भाई मेरा लुंगी पहनता है और मैं दूसरों की पुंगी बजाती हूँ। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिश्नोई समाज के लोग, मेरे भाई हो आप और मेरी, मैं आपकी बहन हूँ, गुस्सा ना करे, गुस्सा शांत करे और ये मारने मारने की धमकी ना दे। जिस खुदा ने आपको भी जन्म दिया है, सलमान भाई को भी दिया है, मुझे भी दिया है, तो जान लेने वाला तो खुदा है, आप धमकी ना दें। क्या मैं जी पुलिस की हेल्प लोगे इस विषय पे? अरे पुलिस की क्या हेल्प लूं, अरे पुलिस स्टेशन जाते हैं तो 6 घंटे बिठा देते हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और तुम लोग बाहर रहते हो, राखी सावंत ब्रेकिंग न्यूज लगाते हो, राखी सावंत तो पुलिस स्टेशन में बैठी है, तुम लोग जब तक मैं कंप्लेंट लिखा के बाहर आ जाती हूँ तब तक तो तुम पता नहीं जेल भी पहुंचा देते हो, फांसी भी लगवा देते हो। हाँ पुलिस स्टेशन में जाके भी फायदा इसलिए नहीं कि वो हाथ पकड़ के 8 घंटे बिठा देते हैं, धीरे 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 पूछते हैं। ये पुलिस वालों को कोई तो डोज वाला इंजेक्शन लगाओ ताकि फटाफट कंप्लेंट ले, फटाफट हमको भेज दे। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।